हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं जय आपका विक्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज फिर हरियाणा जीके का अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। कौन सा? जो हरियाणा में पुरस्कार दिए जाते हैं वे, और उनमें दिए जाने वाली राशि कि भाई कौन से पुरस्कार में कौन सी राशि दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहले आज, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज तीज है, तो आप सभी को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। हरियाणा में बोला जाता है कि भाई आई तीज बखेर की बीज, यानी भाई आज से जो है ना हरियाणा में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब त्योहार आते जाएंगे हरियाणा में। तो चलिए फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा में मई 2019 तक कितने महिलाएं थाने हैं? महिला थाने कितने हैं हरियाणा में मई 2019 तक? तो इसका आंसर क्या है? टोटल 32 थाने हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मई 2019 तक हरियाणा में कुल 32 महिलाएं थाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में समुद्री सुरक्षा को लेकर 30, ध्यान रखिएगा, 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? समुद्री सुरक्षा को लेकर हरियाणा के किस जिले में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम में जो है देश के कितने देश? 30 देश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 30 देश के प्रतिनिधियों ने समुद्री सुरक्षा के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए भाग लिया। इसका अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य क्या था, इस जो यह समुद्री सुरक्षा का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारा हिंद सागर है, महासागर है, उसकी सुरक्षा को लेकर और उसको पुख्ता बनाना मुख्य उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का, कि भाई समुद्री जो हिंद महासागर है उसको सुरक्षा और पुख्ता बनाना। अगर इसके सेंटर की बात करें कि भाई ये कौन से सेंटर में आयोजित हुई थी, तो ये है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सेंटर। कौन सी? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सेंटर, ठीक है, इस सेंटर में जो है इस समारोह का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में कैंसर से होने वाली एक तिहाई, यानी तीन में से भाई एक बंदा मर जाता है, वो कौन सा जिला है? देश में कैंसर से होने वाली एक तिहाई मौतें अकेले किस राज्य में होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? हरियाणा। देखिए चिंता का विषय है, पूरे भारत में जो है हरियाणा में तीन में से एक बंदे की मौत हो जाती है। इसका खुलासा किसने किया है? जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसमें डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी हैं, प्रोफेसर हैं वे, डॉक्टर रंजना अग्रवाल, कौन सी? रसायन की। उन्होंने ही अपने शोध में खुलासा किया है कि भाई हरियाणा में जो है तीन में से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में कितने जिले जल ही जीवन, कौन सा? जल ही जीवन नामक योजना लागू की गई है। हरियाणा के कितने जिलों में जल ही जीवन है इस नामक योजना को लागू किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सात। सात जिलों में जो है हरियाणा के सात जिलों में जल ही जीवन है इस नामक योजना को लागू किया गया है। अगर बात करें सात कौन कौन से जिले हैं, में आप ऊपर से लग जाएं, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, उधर जाएंगे तो कैथल और जींद, ठीक है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, कैथल और जींद, इन सातों जिलों में जो है जल ही जीवन है नामक योजना शुरू की गई है। अगर बात करें, देखिए ये भी चिंता का विषय है, हमारा जो पेयजल है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पे जो है ये
खतरा मंडरा रहा है। अभी तक अगर पृथ्वी की बात करें तो लगभग 50% पानी, अप्रोक्सीमेटली 50% पानी। देखिए वैसे तो पानी बहुत है, कभी खत्म नहीं होगा, पर वो पीने वाला पानी नहीं है समुद्र का, ठीक है। जो पेयजल है वो लगभग 50% से अधिक खत्म हो चुका है, ये चिंता का विषय है, ठीक है। तो इसे बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए आप लोग कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। भारत की जो है 125 करोड़ की आबादी है, अगर वो कम से कम अपनी जिंदगी का एक पेड़ भी लगाता है तो देखिए 125 करोड़ पेड़ हो जाएंगे भारत में एक बार में, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हरियाणा सरकार ने धान की जगह किस खेती को उगाने के लिए 25 करोड़ रुपए, कितने 25 करोड़ रुपए की योजना को तैयार किया गया है। तो धान की जगह मक्का, क्या आंसर है इसका? मक्का। हरियाणा सरकार ने बोला है कि भाई धान की बजाय आप मक्का उगाओ ताकि पानी बच सके, ठीक है। और इसी के लिए 25 करोड़ रुपए की जो योजना है वो तैयार की गई है, आया समझ। ये जो 25 करोड़ रुपए की योजना है ये इन 7 जिलों में ही तैयार की गई है, ये जो मैंने ऊपर 7 जिले बताए थे इन्हीं में तैयार की गई है। देखिए हरियाणा में जो है 101 ऐसी जगह है जहां पानी की किल्लत हो चुकी है, कितनी 101 जगह ऐसी है जहां पानी की कमी हो चुकी है। तो इसे बचाने के लिए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है। तो आज के करंट में इतना ही था, आगे हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कौन सा, जो हरियाणा में पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी राशि क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला पुरस्कार देखते हैं, कौन सा? भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार जो है राज्य में सर्वोच्च पुरस्कार माना गया है, इसको जो है अर्जुन पुरस्कार के समान भी माना गया है। किसको? जो भीम पुरस्कार है इसको अर्जुन पुरस्कार के समान माना गया है। हरियाणा राज्य में सर्वोच्च पुरस्कार है वो भीम पुरस्कार है, और इसके अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। जो इस पुरस्कार में दी जाने वाली राशि है वो 5 लाख रुपए है। और एक बात और, इस जो जिसे भी ये पुरस्कार मिल जाएगा उसे हरियाणा रोडवेज में जीवन भर निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। अगला पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार देखिए जिन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया, जो जो खेलों को बढ़ावा देते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। किनको? जो भी खेल को बढ़ावा देगा उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, और इस पुरस्कार के अंतर्गत मिलने वाली राशि 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए इस पुरस्कार के अंतर्गत मिलने वाली राशि है। अगला है एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड ये किसे दिया जाता है? ये हर साल जो 5 जूनियर खिलाड़ी होते हैं, कितने? 5। कौन से जूनियर खिलाड़ी? जो 5 जूनियर खिलाड़ी होते हैं उन्हें हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। जो 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें मिलने वाली राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसमें मिलने वाली राशि है। अगला है गुरु विशिष्ट अवार्ड। गुरु विशिष्ट अवार्ड इसमें मिलने वाली राशि कितनी है? ये भी हर साल दिया जाता है, और इसमें मिलने वाली राशि 2 लाख रुपए है, आए समझ। अगला है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने जीवन भर खेल में योगदान दिया है अपना, ठीक है। जीवन भर खेल में अपना योगदान दिया है उन्हें, उन महिलाओं को ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें मिलने वाली राशि कितनी है? 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अगला देखते हैं विक्रमादित्य अवार्ड। ये अवार्ड किसे मिलता है? या तो कोई रेफरी हो या जज हो खेल का, या फिर अंपायर हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें मिलने वाली राशि भी कितनी है? 2 लाख रुपए। देखिए ध्यान रखिएगा, सब में 2 लाख रुपए है, जो ये नीचे वाले अवार्ड है सिर्फ एकलव्य को छोड़ के। एकलव्य में 1 लाख है, ध्यान रखिएगा, 1 तो 1 लाख, बाकी सब में 2 लाख, और भीम पुरस्कार में 5 लाख, आए समझ। चलिए आगे देखते हैं, जो खेल में जैसे कि ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में
इसमें जो स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीतते हैं खिलाड़ी, उनको कितनी राशि दी जाती है? देखिए, जो ओलंपिक पहला है ओलंपिक, इसमें जो है जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 6 करोड़ रुपए। ठीक है, जो रजत पदक जीतेगा उसको रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपए। कितने? 4 करोड़ रुपए। और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा सरकार की तरफ से जोन भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 6 करोड़, जो रजत पदक जीतेगा उसको 4 करोड़, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला देखते हैं, एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप में जो भी स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 3 करोड़ रुपए, जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए, जो रजत पदक जीतेगा उसको 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में जो भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 1.5 करोड़ रुपए, स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़, जो रजत पदक है उसके लिए 75 लाख, और जो कांस्य पदक है उसके लिए 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है ना, अगला है वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 25 लाख रुपए, स्वर्ण पदक के लिए 25 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए, और कांस्य पदक के लिए 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है ना, तो आप इसे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़े से, कि भाई कौन से पदक के लिए कितनी राशि है और वो किस खेल के लिए है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।